स्वागत है आप सबका बिग बैश लीग के मैच नंबर 31 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम हॉबर्ट हरिकेन्स के बीच पे, जो खेला जाएगा एडिलेड ओवल एडिलेड के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2:10। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल का रुख करता है, तो आप देखेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 8 टीम्स कम्पीट करती हैं और प्ले ऑफ के लिए टॉप 4 टीम क्वालिफाई करती हैं। फिलहाल जो होम टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स पॉइंट्स टेबल के ऊपर 6वें स्थान के ऊपर है, और इस टूर्नामेंट के अंदर एक टीम ग्रुप स्टेजेस में 10 मैचेस खेलती है। तो अभी एडिलेड स्ट्राइकर्स के 3 मैच बचे हैं, और आप देखेंगे जो टीम अभी टॉप 4 के अंदर है उनके कम से कम 8 पॉइंट्स है, इनके 5 है। तो जो आने वाले 3 मैच है एडिलेड स्ट्राइकर्स को जीतने पड़ेंगे, वरना टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। वो कहता है ना, इनकी सफलता की चाबी इनके पास है। हॉबर्ट हरिकेन्स की बात करता है, ये थोड़ी बेटर पोजीशन के अंदर है। रीजन देखो क्या है, एडिलेड ने तो 7 में से 2 मैच जीते हैं, 4 हारी है। हॉबर्ट 7 में से 3 जीती है, 4 हारी है। नेट रन रेट इनका मच बेटर है फ्रॉम एडिलेड स्ट्राइकर्स। हॉबर्ट हरिकेन्स से मैच जीतते हैं तो ये आ जाएंगे 4थे स्थान के ऊपर, मेलबर्न स्टार्स को रिप्लेस कर लेंगे। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए एलेक्स कैरी वापसी कर रहे हैं नेशनल ड्यूटी से। ट्रेविस हेड आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको मना किया है। इस वीडियो में टोटल 94 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, क्यूस वेन्यू को हाई स्कोरिंग वेन्यू कहा जाता है, आपको बताऊंगा स्कोरिंग पैटर्न कैसा रहता है, डायमेंशंस क्या है, और फिर देखेंगे हम टैक्टिकल डेटा, टीम्स पावर प्ले के अंदर कैसा बैटिंग करती है, डेथ ओवर में कैसा बैटिंग करती है, बॉलिंग कैसा करती है पावर प्ले में, ये सब आपको बताऊंगा। फिर हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखेंगे, फिर मैचअप्स, किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, क्रिस जॉर्डन वर्सेस क्रिस लिन, 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 17 बॉल में 16 रन देके क्रिस जॉर्डन ने क्रिस लिन को। फिर टैक्टिकल डेटा देखेंगे, टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को कैसा खेलती है, लेग स्पिन को कैसा खेलती है, ये भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सेम फॉर द व्हाट्सएप चैनल, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा। एडिलेड ओवल का मैदान है, खूबसूरत ग्राउंड आप देख सकते हैं। इस वेन्यू को सिटी ऑफ चर्चेस भी कहते हैं। तो आप देखो, इस वेन्यू के ऊपर 5 जनवरी को रिसेंटली मैच हुआ, एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचेस का मैच था, जिसके अंदर पर्थ स्कॉचेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या होता है उसके अंदर आप देखो, पर्स कोचेस पहले बैटिंग करने आती है, 153 बनाती है, 154 का टारगेट देती है 7 विकेट गवा के। एडिलेड स्ट्राइकर्स द होम टीम चेस करने आई, फिर से मैथ्यू शॉट का बल्ला बोला अलोंग विद द लिनी, इन्होंने 16.1 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर लिया, और क्या जोड़ी थी लिन की और मैथ्यू शॉट की, गजब की, और 9 विकेट से जीत दर्ज करी। फिर से पहले 205 बना 4 विकेट गवा के। ये बनाए थे एडिलेड स्ट्राइकर्स ने न्यू ईयर ईव के दिन 31 दिसंबर को, जिसके अंदर मेलबर्न स्टार सीज करने आती है। शानदार पारी रही थी वहाँ पे वेबस्टर की और मैक्सवेल की, मार्कस टॉनिस ने भी लास्ट मैच के कैमियो खेला, एक ओवर रहते टारगेट चेस कर लिया 206 का। फिर से पहले 200 बना 7 विकेट गवा के, ये सिडनी थंडर ने बनाया था। एडिलेड स्ट्राइकर्स आती है, टारगेट को 2 बॉल रहते चेस कर जाती है। तो अभी तक इस सीजन के अंदर 3 मैचेस हुए, 3-4, उनमें यहाँ पे रन्स बने, ठीक है, और ये लास्ट मैच है ग्रुप स्टेजेस का इस वेन्यू के ऊपर एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए, हो लास्ट होम गेम है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। फिर से पहले 150 बना, टीम चेस नहीं कर पाई, 202 बना, टीम 182 बना लेती, एक बार 92 भी बना था। तो ये वेन्यू एक हाई स्कोरिंग ग्रुप में देखा जाता है। एडिलेड स्ट्राइकर्स का होम ग्राउंड है, इन्होंने 70 में से 40 मैचों में जीत दर्ज करी है, 30 मैचेस यहाँ पे हारी है एडिलेड स्ट्राइकर्स। हॉबर्ट हरिकेन्स 10 में से 3 मैच जीती है और 7 मैचेस यहाँ पर हारी है। बैटिंग फर्स्ट 18 मैचेस जीते गए हैं, चेस करते हुए 16 मैचेस जीते गए, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सीरियसली कहूँ, अगर कोई टीम बैटिंग फर्स्ट में 160 बनाती है तो वो चेस हो जाते हैं, अगर 200 बनाती है तो कई बार वो चेस नहीं हो पाते। प्रति ओवर 8.5 के आसपास रन्स बनते हैं। जो लास्ट मैच था एडिलेड वर्सेस पर्थ का, उस मैच में 4 विकेट पेसर का था, 4 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। विकेट कॉलम देखते हैं, लास्ट 34 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 255 विकेट निकाले हैं, पहली पारी में 143, दूसरी पारी के अंदर 112। राइट आर्म पेसर्स का 210 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 45 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करें, 132 विकेट पहली पारी के अंदर 69 है, दूसरी पारी के अंदर 63। ऑफ स्पिनर्स का 21, लेग स्पिनर्स का 81, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 7 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 23 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटोज की तरफ। ये लास्ट मैच में इस पिच का इस्तेमाल किया गया था, आप देख सकते हैं ऐसी पिच दिखी थी। ये मैथ्यू शॉट थे जिनके साथ माइक हसी बातचीत कर रहे थे पिच के बारे में और उनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो कह रहे थे
लास्ट मैच में वैसे पिच यूज्ड थी और अच्छा सरफेस था वो, बट बहुत अच्छी टैक्टिक अपनाया था एडिलेड ने, स्पिनर्स को खिलाया जो पर्स कॉचेस को आदत नहीं होती है। और लास्ट मैच के अंदर डायमेंशंस भी थोड़ा सा एक तरफ फेवर था, 53-66 मीटर से लास्ट मैच का डायमेंशन है, सामने 74। और इससे पिछले मैच में पिच ऐसी थी जब यहाँ पे 31 तारीख को मैच हुआ था और सबसे कम स्विंग देखने को मिला है एडिलेड के ऊपर पूरे बिग बैश लीग के अंदर। अलग अलग वेन्यूज़ के ऊपर मैचेस हुए हैं, ये देखो आप इस तरह से पिचेस दिखती हैं, डायमेंशंस अलग अलग होते हैं पिच के हिसाब से, 61-55, सामने 80, अंडे आकार में स्टेडियम होता है, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी सामने की बड़ी, बीच वाली पिच पे मैच हुआ तो 60-60 मीटर की आपको स्क्वायर बाउंड्रीज देखने को मिल जाएगी। ये स्टेडियम का व्यू बहुत ही प्यारा व्यू होता है स्टेडियम का, खूबसूरत सिटी है। कैसी लगी पिच रिपोर्ट मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। टीम न्यूज़ तो सेम है वही, बस आपको बता कौन आया है, एलेक्स कैरी। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 21 मैच खेले हैं, स्ट्राइकर्स 12 जीती है, हॉबर्ट हरिकेन्स 8 जीती है, एक मैच इनका नो रिजल्ट गया है। 11 मैथ्यू शॉट ओपन करेगा यहाँ पर अलॉन्ग विथ एलेक्स कैरी, फिर आपको क्रिस लिन दिख जाता है, डार्ची शॉट है, एडम होस, फिर आपको देखेंगे थॉमस कैली, जैम एवर्टून, हेनरी थॉटन, डेविड पेन वैसे अगर आ सकते हैं, फिर लिलियर्ड पॉप अपनी जगह बचा के रखेंगे फिर से, इस मैच में गलत काम नहीं किया था भाई ने बॉयज। हॉवर्ड हरिकेन्स, मैथ्यू वेड, क्लेब जेवल ओपन, मैकलिस्टर राइट वन डाउन है, बेन मैकडमन टू डाउन, कोरी एंडरसन, टिम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, पैट्रिक डॉली, रायली मेरेडिथ। अब देखें पावर प्ले की बात करते हैं टीम्स कैसा खेली है, तो आप देखेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स भाई क्या टीम है ये, पावर प्ले के अंदर सबसे बेहतर औसत है 66 का और 6 मैचेस के अंदर इन्होंने सिर्फ 3 विकेट गंवाया पावर प्ले में, 7 मैच खेले इस टीम ने, वैसे एक मैच इनका कॉल्ड ऑफ हो गया था याद हो तो आपको एडिलेड के ऊपर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत प्यारा है। दूसरी टीम कौन सी है भाई साहब, दूसरी है हॉवर्ड हरिकेन्स जिसने पावर प्ले के अंदर 6 मैच में 7 विकेट गंवाया है, सेम एक जैसा स्ट्राइक रेट है, औसत थोड़ी सी कम रही है बस इनकी क्योंकि उन्होंने 7 विकेट गंवाया है, एडिलेड ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवाया है। मिडिल फेस के अंदर एडिलेड स्ट्राइकर्स गजब की टीम है, इनका स्ट्राइक रेट देखिए 150 का होता है, लिनी होते हैं इनके पास होता है एडम होस, मैथ्यू शॉट। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने मिडिल फेस में ओवर 5 से 14 के बीच में 11 विकेट गंवाया है, 49 की औसत है, 539 रन्स है 6 इनिंग्स के अंदर। हॉवर्ड हरिकेन्स मिडिल फेस के अंदर 118 का स्ट्राइक रेट है, 16 विकेटें गंवाए हैं 6 मैच के अंदर, इन्होंने भी 360 बॉल खेली है, इन्होंने भी खेली एडिलेड ने, फ़र्क क्या है, एडिलेड ने 539 रन बनाए, इन्होंने 424 रन बनाए, फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा है। डेथ ओवर्स में एडिलेड स्ट्राइकर्स का 17 का एवरेज है, 17 विकेट्स गंवाए हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है। हॉवर्ड हरिकेन्स ने 14 विकेट गंवाया है, 147 का स्ट्राइक रेट है, दोनों एक जैसी टीम है डेथ ओवर्स के अंदर। बॉलिंग डिपार्टमेंट, हॉवर्ड हरिकेन्स पावर प्ले में 6 मैच में 8 विकेट निकाल चुकी है, एडिलेड पावर प्ले में 6 मैच में 6 विकेट निकाली है, बट एडिलेड बहुत महंगी साबित होती है विद द बॉल, इनका बॉलिंग फेस बहुत ख़राब है। एडिलेड मिडिल फेस में 6 मैचेस के अंदर 12 विकेट्स निकाल चुकी है और सबसे महंगी इकोनॉमी है इनकी आफ्टर रेनेगेड्स एंड सिडनी थंडर मिडिल फेस के अंदर। हॉवर्ड हरिकेन्स मिडिल फेस में 6 मैच में 12 बट इकोनॉमी अच्छी रही है 7.7 की। अब डेथ ओवर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फेस, इसके अंदर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 6 मैच के अंदर 16 विकेट निकाला है, 11.1 की इकोनॉमी है, दिस इज द वर्स्ट अमंग ऑल द टीम्स। हॉवर्ड हरिकेन्स की इकोनॉमी देखते हैं 10.3 की है, डेथ ओवर में 5 मैचों में 5 विकेट निकाले हैं उन्होंने। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं, मैथ्यू शॉट 9 मैचेस में 50 की औसत, 353 रन से अच्छे प्लेयर है ये, लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट इसी वेन्यू पे इसने शतक बनाया था, जी हाँ, बैटिंग बस 13-33-2, 89-38, चेस के ऊपर आप देखेंगे 6-0-72 नाबाद शतक, और बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 1 विकेट है। इस मैदान पे 31 मैचेस के अंदर 996 रन, 38 की औसत है, 147 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 17 मैच में 480, चेस के ऊपर 13 मैचेस के अंदर 516 रन है, 8 विकेट्स भी निकाले, इस वेन्यू को बहुत पसंद करते हैं ये, 7 अर्धशतक 1 शतक है। कैरी 8 मैच 45 की औसत है अगेंस्ट हॉबर्ट हरिकेन्स, 363 रन है, 146 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट शतक 18-28-66, चेस के ऊपर 2-54-49-67 आई मीन ये 55, और बहुत अच्छे प्लेयर है। वेन्यू के ऊपर 28 मैच का एक्सपीरियंस है, 900 रन है, 34 की औसत, 2 शतक 4 अर्धशतक है, 26 कैच 3 स्टंपिंग करी इस मैदान पे, बैटिंग फर्स्ट 20 मैच में 700, चेस के ऊपर 7 मैच में 200 रन है। रिसेंट फॉर्म 0-11-28-11-4-14-2, ये वर्ल्ड कप के टाइम पे था फॉर्म, इनका ड्रॉप भी हो गए थे बीच में। लिनी
15 मैच 606 रन्स, बहुत पसंद इनको हॉबर्ट हैरी केन्स, 55 की औसत है, एक शतक 5 अर्धशतक, बैटिंग फर्स्ट के अंदर 7 मैच में 317 रन्स है, 63 की औसत है, चेस के ऊपर 7 मैचेस के अंदर 289 रन्स है, 48 की एवरेज है, वैनी के ऊपर 19 मैच 564 रन्स, 34 की औसत, 550 है, अद्भुत प्लेयर है ये डार्ची शॉट, एक्स क्रिकेटर है, ठीक है, किसके जो सामने टीम है ना, क्या नाम है उसका, रॉबर्ट हरिकेन्स। वैनी के ऊपर 9 मैच है, 392 रन्स है, एक विकेट है, और बैटिंग फर्स्ट 4 72 32 25, चेस के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ इसने किया हुआ है, 28 68 73 नाबाद 66 24, तो कुछ ना कुछ करके जाता है यहाँ पर। एडम होल्स 2 मैच 43 रन, 172 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 5 38, चेस के ऊपर इस वेन्यू पे 10 मैच में 286 रन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, इस वेन्यू को पसंद करता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना इजी होता है। थॉमस केली का 5 मैच में 31, वेन्यू के ऊपर 13 मैच में 60 रन है। जेम ओवरटून हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है, एक बार विकेट लेस गया, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है, वैसे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे फॉर्म में था। हेनरी थॉटन 2 मैचेस में 2 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर विकेट लेस, बॉलिंग सेकंड में 2 विकेट है, इस वेन्यू पे जब भी खेला बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, 6 मैचेस के अंदर 16 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 2 मैचेस के अंदर 8 विकेट है, एक बार विकेट लस गया। डेविड पेन हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 7 विकेट है, अच्छे आंकड़े रहे हैं बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। कैम बॉयस 6 मैचेस में 8 विकेट है, 4 मैचेस में 4, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, दो बार विकेट लस, वेन्यू के ऊपर 17 मैच में 11 विकेटें, 42 रन है, थोड़ा सा यहाँ पे शांत रहता है, इकोनॉमिकल स्पेल इसका हमेशा आ रहा है, बट यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी होती है, अच्छे बॉलर है। लिलियॉर्ड पॉप 2 मैचेस में 0 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 5, बॉलिंग फर्स्ट। बजेली मेरे को लगता नहीं खेलेंगे, नंबर्स दिए मैंने आपको, हैरी निल्सन स्क्वाड में नहीं है, ड्रॉप्ड। बैन मरेंटी का 7 मैच में 5, वेन्यू के ऊपर 4 में 2, वैसागर का 9 मैच में 9 विकेट है, एटवर्ड के अंदर वेन्यू पर 29 मैच में 37 विकेटें हैं। डॉगेट के स्टैट्स हैं, जैक विदराल्ड ट्रेविस हेड दिखेंगे नहीं आपको, स्टैट्स मैंने निकाले थे भाई, कहीं आ जाए भाई चांस तो। मैथ्यू शॉट पहला 13वां 18वां ओवर था लास्ट मैच में, डेविड पेन का 2रा 15वां 20वां, पता नहीं क्यों 3 ओवर कराया यार इतने अच्छे बॉलर से। थॉटन का 3रा 8वां 16वां, ओवरटून का 4था 14वां 19वां, लिलियॉर्ड पॉप का 5वां 7वां 10वां 12वां था, बॉयस का 6वां 9वां 11वां 17वां, तो स्पिनर्स को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी लास्ट मैच में क्योंकि पर्थ की टीम थी। क्लैब जेवल 7 मैचेस में 172 रन है, 148 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग में 17 2 54, चेस के ऊपर 10 35 34, वेन्यू के ऊपर अच्छा कर सकता है, स्कोर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलता है क्लैब जेवल, यहाँ पे छोटी बाउंड्रीज होती है, 3 मैच खेला है, बैटिंग 2 बार करी है, 193 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 2 54, पिछले 2-3 मैचेस से फ्लॉप होकर आ रही है, 4 13 31 45 0 12, ये मैच इनके लिए अच्छा मैच हो सकता है। सेम फॉर द बैन मैकडोमिंड, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलता है, इसका जो पिकअप शॉट है ओवर द मिड विकेट स्टेडियम के बाहर बॉल जा सकती है, 15 मैच 445 रन है, 148 का स्ट्राइक रेट, 8 कैच पकड़े भाई ने कीपिंग करते हुए, एक भी स्टंपिंग नहीं है, बैटिंग फर्स्ट 7 मैच के अंदर 184, चेस के ऊपर 7 मैच में 388 रन है, वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 156 रन, ठीक ठाक स्टार्ट लिए 2-3 बार इसने। मैकअलिस्टर राइट 4 मैच 32 रन, बैटिंग फर्स्ट 1 15 6, चेस के ऊपर नहीं खेला, वेन्यू पे 6 रन है, पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुआ है 0-8, वरना बहुत अच्छा प्लेयर है ये, टच इसका बहुत सीरियस है। सैम हेन शायद ड्रॉप हो सकते हैं, 6 रन है वेन्यू पे, बैटिंग फर्स्ट हेडवुड के अंदर भी, कोरी एंडरसन हेडवुड वेन्यू नहीं खेला, देखते हैं इस मैच में क्या कर पाता है। निखिल चौधरी इन फॉर्म प्लेयर, पिछले मैच में 50 की एक विकेट निकाला, वैसे इसको वी में खेलना पसंद है ज़्यादा, अगर आपने मैचेस देखे हो, ऑफ साइड भी अच्छा खेलता है ये, और इस वेन्यू पे वी में खेलना डिफिकल्ट है, 70-80 मीटर की बाउंड्रीज होती है, बट देखते हैं क्या कर पाता है, अच्छा प्लेयर है, पेस अच्छा खेलता है, सामने बहुत अच्छे स्पिनर्स होंगे, मैथ्यू शॉट कैम बॉयस, थोड़ा सा रिस्क रहेगा इस मैच पे निखिल चौधरी पे। टिम डेविड 8 मैच 166 रन 1 विकेट है, बॉलिंग कर लेते हैं पार्ट टाइम, ये इस वेन्यू पे इसने हमेशा रन बनाए, आज तक फ्लॉप नहीं हुआ इस वेन्यू के ऊपर, ये हर मैच में 20 प्लस स्कोर है, 6 नाबाद मैं मानता हूँ चेस पे गया था, बट वो नाबाद था उनका, उनकी गलती नहीं थी। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 67, बैटिंग पर 28 49 नाबाद, रोटेट करिए इस बंदे को, अच्छा पिक रह सकता है आपके लिए। टिम डेविड क्रिस जॉर्डन 4 मैच में 2 21 रन, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 1, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 1 विकेट है, एटवुड में इस वेन्यू के ऊपर इसके 5 मैच में 10 विकेट है, अच्छी बॉलिंग करी है, 4 मैच में 8 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड के अंदर 1 मैच में 2 विकेट है। पैट्रिक डॉली 2 मैचेस के अंदर 3 विकेटें, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 2 विकेट, बॉल सेकंड।
लतन एलिस 7 मैच में 9 विकेट्स है, अच्छा गेंदबाज है, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 5 विकेट, एक बार विकेटलेस गया, 9 की इकोनॉमी है, वेन्यू के ऊपर 10 की इकोनॉमी है, 2 मैचेस में 2 विकेट है, बॉल सेकंड करते 1 बार विकेटलेस। मेरेडिथ इस वेन्यू पे बहुत मार खाया है, 4 मैच 11 की इकोनॉमी है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 1, बॉलिंग सेकंड 2 मैचेस में 0 विकेट है, 3 बार यहाँ पे विकेटलेस गया है, वेन्यू के ऊपर बता दिया हेड टू हेड के अंदर 9 मैच में 9 विकेट्स है। लास्ट मैच में इनका स्पेल बहुत अच्छा था अगेंस्ट ब्रिस्बेन, अगर आपने मैच देखा हो, मैथ्यू वेड 15 मैच 383 रन, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलता है, अगर इस मैच में खेले तो इंपॉर्टेंट वैल्यू दे सकता है ये, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट के अंदर, इनके आंकड़े हमेशा बैटिंग फर्स्ट में खूबसूरत रहे। हेड टू हेड में देखो 5 मैच में 80 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 248 रन है, चेस के ऊपर 7 मैच में 135 रन है, 130 रन की पारी आई थी एक बार वेड की बैटिंग फर्स्ट करते इसी वेन्यू के ऊपर, चेस पे 84 नाबाद। मिचोवेन बलिस्टैन लेके लोकल लॉर्ड है, यहाँ का एक्स प्लेयर रह चुका है फॉर द लोकल, तो नहीं कहेंगे इसको लोकल, तो क्वींसलैंड से, यहाँ पे एक सिर्फ वो खेलता है, इसने अपना बिग बैश लीग का करियर स्टार्ट किया था, एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए एक्स प्लेयर है, पीटर एडजग्लू, लियम गुथरी। पिछले मैच में मेरेडिथ का था 1st, 7th, 14th, 16th, लास्ट गेम में पावर सेल्स का इसने ओवर डाला था, कोर इंडरसन का 2, एलिस का 3rd, 10th, 17th, 19th, जॉर्डन का 4th, 12th, 18th, 20th, और लास्ट मैच में जॉर्डन ने पावर सेल्स नहीं डाला। पैट्रिक डॉली 5th, 9th, 11th, 15th, निखिल चौधरी का 6th, 8th था, टिम ड्यूब ने 13th डाला था। आगे मैचेस देखते हैं, मैथ्यू शॉर्ट वर्सेस आपको देखने को मिलेगा, नथन एलिस 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 27 बॉल के अंदर 24 रन देंगे, बहुत स्मार्ट वेरिएशन वाला बॉलर है वो। डार्ची वर्सेस स्टैनली के 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, एलेक्स कैरी अगेंस्ट हेडजाग्लू, क्रिस जॉर्डन 1-1 बार आउट किया है, हैंड्रियंट आपको दिखेंगे नहीं, लिनी अगेंस्ट जॉर्डन स्टार्टिंग में कहा था 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, वैसे 17 बॉल में 16 रन देंगे वो आउट कर सकते हैं, वैसे हार्ड लेंथ हिट करेंगे तो बॉल बाहर भी जा सकती है। एडमोस अगेंस्ट डॉली, टिम डेविड 1-1 बार आउट हुआ है, थॉमस कैली वर्सेज एलिस, सेम फॉर ओवरटून, बजेली दिखेंगे नहीं, जैक विदरलॉल्ड, क्लब जेवल कोई खास मैचअप नहीं है, बॉयस वैसा करके सामने 1-1 बार आउट हुआ है, वैसे लेक्समैन के सामने फंसता है, बहुत दफ़ा देखा गया है, 17 इनिंग्स में 7 बार आउट हुआ है। बैन मैकडोनाल्ड के खिलाफ मैथ्यू शॉर्ट 31 बॉल में 55 रन दे चुका है, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट कर भी चुका है। मैकलिस्टर राइट नहीं है, सैमन वर्सेज डार्ची रहा है, कोरी एंडरसन वर्सेज ट्रेविस हेड एंड टिम डेविड वर्सेज डॉगेट, 11 बॉल 23 रन 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। डेविड पेन वर्सेज क्रिस जॉर्डन, मैथ्यू वेड वर्सेज कोई खास मैचअप नहीं है, अच्छा प्लेयर हो सकता है। टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को कैसा खेली है, हॉबर्ट हरिगिन्स को लेफ्ट आर्म पेसर से दिक्कत, आप अभी हाल ही का मैच आपने देखा होगा, कौन था अपना भाई साहब वो, क्या नाम था यार उसका, स्पेंसर जॉनसन, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल के गया था। हॉबर्ट हरिगिन्स लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसती है, 4 मैच में 9 विकेट दिए, लास्ट मैच के मैं डेटा ऐड करता हूँ, अभी तक ऐड नहीं हुई है डेटा बेस में, तो 5 मैच 11 विकेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरी टीम कौन सी है, एडिलेड लेफ्ट आर्म पेसर को अच्छा खेला है, लेग स्पिन अगेंस्ट बोथ दिस टीम अच्छा खेला है दोनों ने, हॉबर्ट ने भी सही खेला है। ऑफ स्पिन की बात करते हैं तो एडिलेड को थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑफ स्पिन से, टिम डेविड आके अपना एक आध ओवर डाल के जा सकता है, और तो और कोई खास दिक्कत नहीं है। बिग बैश लीग के अंदर लीडर बोर्ड देखने को मिलेगी, भाई पार्टिसिपेट कर लेना, दोनों को फायदा है, मेरे को एफिलिएट मिल जाएगा भाई, वो भी जरूरी है, घर में बताना पड़ता भाई क्या कर रहा हूँ मैं करके, वो कहते हैं भाई लगा रहता है, और भाई साहब डिज़ाइनर भी ढूंढना भी नया, तो मेरी भी इनकम हो जाएगी, आपको भी प्राइसेस मिल जाएंगे, दोनों को फायदा देख रहा हूँ मैं, तो साइन अप कर लेना, लिंक नीचे दिया है, मैं मस्ट लेन का खेलिए आप स्मॉल लीग, यहाँ पर कॉमन कैप्टन या ग्रैंड लीग भी खेलो, 47 रुपीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्यू शॉर्ट लीनी कॉमन कैप्टन होंगे, अलग जाना तो मैथ्यू वेड है, ओवरटून है, क्रिस जॉर्डन बैक मैकडोनाल्ड को रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं फैंटेसी टीम्स की तरफ, फिलहाल मैंने कैप्टन किया पे मैथ्यू शॉर्ट को, वाइस कैप्टन जॉर्डन है, और फिर कीपिंग में आपको वेड मैकडोनाल्ड कैरी दी जाते हैं, मैथ्यू वेड सब्जेक्टिव टू फिटनेस है, उनका फिटनेस टेस्ट होगा मैच से पहले, उनको बैक स्पैज़म है पीठ के अंदर। लिनी मैकलिस्टर राइट लिया हुआ है, ओवरटून डेविड पेन, नथन एलिस, हेनरी थॉर्टन है, रोटेट कर सकते हैं आप किसको, निखिल चौधरी को लास्ट मिनट में मैं भी ले सकता हूँ, अगर वेड नहीं खेलते या फिर लगता है पिच के ऊपर ज़्यादा ग्रास नहीं है, नॉर्मल पिच रह रही हो, क्योंकि हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है, बट देखते हैं हाई क्वालिटी बॉलर्स एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास, स्पिन स्पेशली पेस तो बहुत अच्छा खेलता है निखिल चौधरी, सबने देखा उसको, हैरिस रॉफ को मारा था पिछले मैच में उसने, स्पेंसर जॉनसन को धोया था सामने। बैन मैकडोनाल्ड इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है ये, कैरी भी इस मैच में देखेंगे आपको लेके चलिए। वेड बैटिंग फर्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बैटिंग सेकंड में आप चाहे रिस्क ले सकते हो बट वो भी हाई रिस्क होगा। लिनी इंपॉर्टेंट है, टिम डेविड को रोटेट करिए, हर बार जब भी खेला 20-30 रन करके जाता है, इस वेन्यू पे एक आध दो डाल सकता है। फिर कौन आते हैं, मैकलिस्टर वाइट
अच्छे फॉर्म में, सीरियस टच के अंदर है बंदा, पिछले दो मैचेस में फ्लॉप जरूर हुआ है। सैमन का फॉर्म कंसर्न है, क्लेव जोल अच्छा खेल सकता है, स्कोर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता है, स्वनी के ऊपर स्क्वायर बाउंड्री छोटी होती है, क्लियर कर सकता है कदमों का इस्तेमाल करके, बट सामने बस उसको मैथ्यू शॉट की नई गेंद से बच के रहना है, वो पहला दूसरा ओवर डालने आ सकता है मैथ्यू शॉट अगेंस्ट क्लेव जोल। मैथ्यू शॉट इंपॉर्टेंट, ओवरटन इंपॉर्टेंट, क्रिस जॉर्डन का महत्व रह सकता है, डार्ची शॉट को रोटेट करिए, अच्छा प्लेयर है, अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेलेगा, ये सारे बॉलर्स को उसने नेट में फेस किया हुआ है डार्ची शॉट ने लास्ट सीजन के अंदर। निखिल चौधरी रोटेटेबल प्लेयर है, शायद मैं भी लास्ट मिनट पे ले लूँ। यहाँ से मेरे को पेंट बहुत इंपॉर्टेंट लगे, हरिकेन्स लेफ्ट आर्म पेसर के सामने स्ट्रगल करती आई है, नथन एलिस अपने वेरिएशन से चकमा दे सकता है, मेरेडिथ स्क्वायर बाउंड्रीज पे थोड़ा सा दिक्कत अपने लिए ला सकता है, वैसे बहुत अच्छा बॉलर है, इन फॉर्म है, रोटेट कर सकते हैं आप। यहाँ से फिर हेनरी थॉर्टन मैंने लिया हुआ है, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कैमरन बॉयस और पैट्रिक डॉली पे नजर रखिए, देखते रहिए स्टैट्स। गुरु जी मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, लव यू गाइस, सुन जाएं।